जेन जी और मिलेनियल्स, ये दो ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके इर्द गिर्द सब कुछ चलता है। चाहे वो कोई भी कंपनी हो, अपने प्रोडक्ट्स को समाज की इस कैटेगरी के लिए जरूर डिजाइन करती है। दुनिया भर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन्हीं कैटेगरी के लोगों में है। अब जिन दर्शकों को नहीं पता, उनके लिए बता दें कि जेन जी ऐसे लोगों को कहते हैं जो 1998 के बाद और 2010 के शुरुआती सालों में पैदा हुए हों। वहीं मिलेनियल्स उन लोगों को कहते हैं जो 1980s के बाद और 1990s के शुरुआती सालों में पैदा हुए हैं। अब इन्हीं जेन जी और मिलेनियल्स को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसका नाम है दी जेन जी एंड मिलेनियल सर्वे 2023। इसमें इन दोनों कैटेगरीज के लोगों के इंटरव्यू किए गए जिसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। क्या हैं वो बातें, आइए समझते हैं। तो पहली चीज जो इस सर्वे से निकलकर सामने आई वो ये है कि जेन जीज में हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेकर चिंता है, साथ ही वो बेरोजगारी और क्लाइमेट चेंज को लेकर भी काफी चिंतित हैं, क्योंकि ज्यादातर जेन जी क्राउड पेचेक टू पेचेक पर निर्भर करता है, यानी हर महीने आने वाली सैलरी ही उनके लिए सब कुछ है। वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान नहीं दे रहे और सेकेंड इनकम की तलाश में रहते हैं, यानी फुल टाइम जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब के लिए जेन जी हमेशा तैयार है। अब बात करते हैं सर्वे के दूसरे पॉइंट के बारे में, जिसमें बताया गया कि 46% जेन जी और 37% मिलेनियल्स अपने प्राइमरी जॉब के अलावा दूसरे फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने जिंदगी के अहम फैसलों को पोस्टपोन कर दिया है, जैसे कि घर या गाड़ी खरीदना, फैमिली स्टार्ट करना और तमाम ऐसे फैसले जो जिंदगी में आमतौर पर एक बार ही लेने होते हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जिसमें पता चला कि 49% जेंजीज और 62% मिलेनियल्स अपने काम को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन साथ ही वर्क लाइफ बैलेंस पर भी तेजी से जागरूक हो रहे हैं। इसकी वजह से नई कंपनी का चयन करते वक्त सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का रखते हैं कि कंपनी में बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस मिले और साथ ही फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स को भी प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन इन सभी बातों में एक सबसे महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आई, वो ये कि जेन जी और मिलेनियल्स में भविष्य को लेकर काफी चिंता है। यहाँ हम उनके अपने भविष्य की नहीं बल्कि समाज और पर्यावरण की बात कर रहे हैं। सर्वे के अनुसार जेन जी में क्लाइमेट चेंज, मेंटल हेल्थ को लेकर काफी जागरूकता है और अक्सर नई कंपनी का चयन करते समय वो इन बातों का ध्यान रखते हैं कि उनकी नई कंपनी समाज में बदलाव, अच्छे वर्क कल्चर, एनवायरमेंट फ्रेंडली और इन सभी चीजों को नजर में रखते हुए एक जेन जी अपने लिए नई नौकरी तलाशता है। खैर, ये सर्वे जेन जी और मिलेनियल्स के बारे में जितने फैक्ट सामने रखती है उससे कई ज्यादा कंपनियों को ये भी सिखाती है कि आने वाले समय में किन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए, कैसे वर्क एनवायरमेंट रखना चाहिए और यंग लोगों को कैसे अपनी ओर आकर्षित करना है। आपकी जेन जी और मिलेनियल्स पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें जागरण बिजनेस।